नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर जहाज सहित आसमान से कहां गायब हो गई एक महिला पायलट। आज से करीब 33 साल पहले घटी एक घटना जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। दरअसल एक महिला पायलट जिसे बेहतरीन पायलटों में से एक माना जाता था, अचानक आसमान से गायब हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं चल सका। इसे विमान इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। इस महिला पायलट का नाम था अमीलिया ईयरहार्ट। उन्हें करिश्माई महिला पायलट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने सन 1932 में हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर को पार करने का करिश्मा कर दिखाया था, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका के क्वीन ऑफ द एयर की उपाधि मिली थी। अटलांटिक महासागर को पार करना अमीलिया का कोई अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि उन्होंने आसमान में और भी कई इतिहास रचे थे। उन्होंने हवाई जहाज से 18,415 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर इतिहास रचा। साथ ही सन 1935 में पैसिफिक महासागर को अकेली हवाई जहाज से पार करने वाली पहली महिला भी बनी। अमीलिया को हवाई जहाज उड़ाने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने लिए एक सेकेंड हैंड प्लेन भी खरीद लिया था और उसी से ट्रेनिंग करती थीं। उन्होंने अपने दो सीटों वाले उस जहाज का नाम कैनरी रखा था। इसी जहाज से उन्होंने सबसे पहले 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक नया इतिहास रचा था। 2 जुलाई 1937 अमीलिया की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ, क्योंकि एक उड़ान के प्रयास के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर हॉवलैंड द्वीप के पास वो विमान समेत गायब हो गईं। अमेरिकी सरकार ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया। करीब 2.5 लाख मील की समुद्री सीमा को छाना गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 5 जनवरी 1929 को उन्हें मृत मान लिया गया। लेकिन आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर अमीलिया विमान सहित कहां गायब हो गईं।